21st June, International Day of Yoga. Yoga. Live life to its full potential. পরিষ্কার পানিতো আপুনি বাৰু খালে কিন্তু ইয়া স্বচ্ছতাৰ কাৰণে দায়িত্বকাৰ চিপ্ছটোৱেও খালে কিন্তু খালী পেকেট দায়িত্বকাৰ সঠিক সামগ্ৰীটো পালে আৰু খালী পেকেট এয়া কাৰ দায়িত্ব দুজন গ্ৰাহকে কেৱল সঠিক বস্তু কিনাই নহয় বৰঞ্চ নিজৰ পেলনীয়া বস্তু সঠিক ঠাইতো পেলাই আপুনিও দুজন গ্ৰাহক হওক আৰু স্বচ্ছ ভাৰতৰ সপোন সঁচা কৰি তোলক জাগা গ্ৰাহক জাগা द्वार तुम्हारे लिए सदा सदा के लिए बंद हो जाएंगे। कि महल में अगर एक भी आहट होती है तो उसकी पहली ध्वनि सबसे पहले हमारे कानों तक पहुंचती है। जिस कलावती को हमने शत्रुओं पर दृष्टि रखने का आदेश दिया था वो कपटी सेविका अपने दाता पर दृष्टि टिकाने लगी। अब दवानों को बताया जाए कि हम कौन हैं। हाँ तुम कौन हो? पहले हम तो जान लें कि तुम कौन से पशु हो, उसके पश्चात हम कोई निर्णय करेंगे। कौन हो तुम? पथ में किसी भी अपरिचित पथिक से मित्रता मत करना और किसी को भी अपनी सवारी मत दिखाना। यदि वो किसी संकट में फंस गए तो दुर्गेश्वरी उनका साथ देगी, क्योंकि इस जंगल के चप्पे चप्पे को दुर्गेश्वरी जानती भी है। हम कहां आ गए?
यहाँ आके हम दिशा भ्रमित हो गए। समझ में नहीं आता कि कौन सी दिशा किस ओर जा रही है। कदाचित ये पथ ही रूपनगर जा रहा होगा। हमें इसी पथ पर चलना होगा, परंतु इस पथ से हम रूपनगर पहुंचेंगे या नहीं ये नहीं कह सकते। ये पथ सही नहीं है युवराज। ये कैसा चमत्कार है, एक पुष्प पे कली बैठी। मैं कली नहीं, परी हूँ युवराज, परी परागनी। परी परागनी? लेकिन परी तो आकाश में होती है, देवलोक में होती है, तुम यहाँ कैसे? मैं भी देवलोक में रहती थी। एक दिन आकाश मार्ग से उड़कर इस पद से जा रही थी तो धरती का यह स्वर्ग इतना सुंदर लगा कि इन्हीं पुष्पों को मैंने अपनी सेज बना लिया। परंतु तुम क्यों इतने निराश दिखाई दे रहे हो युवराज? परी परागनी, हम अपने उद्देश्य के लिए रूपनगर जाना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई पथ समझ में नहीं आ रहा। क्या आप हमारी कोई सहायता कर सकती हैं? अवश्य करूंगी युवराज। क्योंकि तुम एक शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, तुम जितना ही आगे बढ़ोगे दानव शक्तियाँ तुम्हें उतना ही रोकने का प्रयत्न करेगी युवराज। हम जानते हैं परी परागनी, लेकिन हम वापस नहीं लौट सकते। या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे या फिर अपने प्रिय भ्रातृषि को वापस लेकर लौटेंगे। युवराज, तुम्हारा ये अटल विश्वास तुम्हें अवश्य सफलता प्रदान करेगा, परंतु याद रखना रूपनगर की सीमा से तुम अभी अधिक दूर हो और राह में आने वाले 7 नदी और 13 पहाड़ भी तुम्हें पार करने हैं। इसके अतिरिक्त कई अच्छी और बुरी मायावी शक्तियों का भी तुम्हें सामना करना होगा। ऐसे ही अविचलित होकर निडरता से आगे बढ़ोगे तो विजय से तुम्हें अवश्य प्रदान होगी। अब तुम जाओ युवराज और अपने उद्देश्य की पूर्ति में आगे बढ़ो। धन्यवाद परिकर, यदि रूपनगर से वापस जीवित लौटे तो एक बार फिर तुम्हारे दर्शन करने की अभिलाषा। क्या वो अभिलाषा पूरी हो सकती है? पता नहीं युवराज, तब मैं पृथ्वी पर रहूंगी या देवलोक लौट जाऊंगी। परंतु तुम्हारी यात्रा के बीच मैं एक बार तुमसे अवश्य मिलूंगी। तुम जब भी कष्ट में फंसोगे तो ये कभी न मुरझाने वाला फूल वायु में उछाल देना और मैं पलक झपकते ही तुम्हारी पलकों के सामने उड़ कर आ जाऊंगी। रूपनगर का पथ कितना रहस्यमय है, तरह तरह की पहेलियां सामने आ रही हैं। कभी जीव जंतु से लिपटे महात्मा नजर आते हैं, कभी दुर्गेश्वरी जैसी महिला डकैत। और अब इस परी का क्या रहस्य है, देखते ही देखते पुष्प में लुप्त हो गई है। समझ में नहीं आ रहा किसका विश्वास करें किसका नहीं, लेकिन जो भी हो हमें अपने भाई तक जरूर पहुंचना है। पहाड़ी की ओर से कौन चले आ रहे हैं? लगता है कोई भटके हुए पथिक या फिर हमें भ्रमित करने कोई मायावी शक्तियां आ रही हैं। वो दोनों तो इधर ही चले आ रहे हैं। इससे पहले कि उनकी दृष्टि यहां पड़े हमें अपने अश्व को छुपा देना चाहिए, क्योंकि दुर्गेश्वरी ने चेतावनी दी थी कि किसी भी अपरिचित से मित्रता मत करना और अपने अश्व को कभी नहीं दिखाना। इस समय किसी भी विपत्ति में पड़ना समझदारी नहीं होगी। अब हमें स्वयं इनके समीप जाना होगा, जिससे हमें यह पता चले कि ये है कौन। हाँ। हाँ।
कोसों कोसों तक कोई पथिक दिखाई नहीं देता। अब तो स्वयं का बोझ उठाना भी भारी हो रहा है जोरावर। समझ में नहीं आता कि ये चंद्रमुखी का रूप नगर है तो है कहाँ। और इस पथ का वातावरण भी मायावी लगता है। एक पल में वर्षा तो एक पल में धुंध, एक पल में धूप तो एक पल में छाया। नहीं 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 नहीं, ये तो है ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। युवराज वो देखिए, वो कौन आया? कोई भटका हुआ पथिक हमारे पथ की ओर बढ़ते चला आ रहा है। शांत हो जाओ मूर्ख। वो कोई साधारण पथिक नहीं है, अवश्य कोई युवराज है जो चंद्रमुखी से विवाह करने रूपनगर जा रहा है। हो भी सकता है युवराज, वो चलकर उसी से पूछते हैं कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। चलो पथिक, कौन हो तुम? यही जानने तो हम तुम्हारे पास आए हैं। इस जंगल में हमने तुम्हें पहली बार देखा है, कहां से आए हो तुम? सावधान पथिक, अलकापुरी युवराज के सम्मुख प्रश्न पूछने का साहस मत करना। यदि हमारे युवराज भानु प्रताप सिंह को क्रोध आ गया तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। कोई भय नहीं, संकट और रणभूमि से तो एक राजपूत का जन्म जन्म का नाता होता है। अगर कुंवर सूर्य प्रताप सिंह एक हाथ में तलवार रखने की शक्ति रखता है तो दूसरे हाथ में मृत्यु लेकर चलता है। कुंवर सूर्य प्रताप सिंह, अन्यथा तुम भी हमारी तरह किसी राज्य के युवराज हो। ठीक पहचाना आपने, हम विजयगढ़ के युवराज हैं, कुंवर सूर्य प्रताप सिंह। परंतु तुम इस जंगल में क्यों भटक रहे हो? भटक तो आप रहे हैं युवराज, हम तो केवल चंद्रमुखी के राजा की ओर कूच कर रहे हैं। राजकुमारी चंद्रमुखी के महल की ओर? परंतु क्यों? कहीं आपने भी तो चंद्रमुखी से विवाह का सपना तो नहीं संजोया है? नहीं, हमारा उद्देश्य दूसरा है, जो हम चंद्रमुखी के राज्य पहुंचकर अवश्य पूर्ण करेंगे। अब आपका उद्देश्य जो भी हो उसका पता नहीं, किंतु हमारे युवराज का उद्देश्य सुन लीजिए। हमारे युवराज का उद्देश्य है कि ये रूपनगर पहुंचकर चंद्रमुखी से विवाह करेंगे। यदि उस समय आप भी वहाँ हो तो आप युवराज के विवाह में इनके बाराती बनकर सम्मिलित हो जाए। क्यों युवराज? हाँ हाँ, क्यों नहीं। किंतु एक बात समझ में नहीं आई युवराज, आप ऐसे अकेले जंगल में, न कोई सैनिक न कोई आशु। रूपनगर के अंतहीन पथ में हमारे अश्व ने दौड़ते दौड़ते दम तोड़ दिया, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, हम अपने लक्ष्य पर पहुंच कर ही रहेंगे। तो क्या आप रूपनगर का पथ जानते हैं? नहीं, लेकिन वो पथ भी हम अवश्य खोज निकालेंगे। चलते हैं। यदि इस युवराज के पास कोई अश्व होता तो हम इसे इसी समय समाप्त कर देते। मैं भी यही सोच रहा था युवराज, किंतु मैंने उस युवराज को पैदल अकेले यहाँ आते हुए देखा था, तो मैंने सोचा उसके पास कोई सवारी नहीं होगी, अन्यथा आपके सम्मुख से जीवित नहीं आने देता युवराज। युवराज, कहीं हम दोनों स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं? वो अश्व पर बैठकर चला गया, अवश्य ही कोई दृष्टिभ्रम है। ये कोई स्वप्न नहीं है ना ही कोई दृष्टिभ्रम, वो युवराज हमें मूर्ख बनाकर चला गया है। उसने हमें कुछ भी सत्य नहीं कहा और हमारे बारे में सब कुछ जान लिया। वो उस अश्व पर बैठकर रूपनगर जाकर चंद्रमुखी से विवाह करना चाहता है। नहीं नहीं युवराज, उसने तो अपना उद्देश्य कुछ और बताया था। असत्य कहा था उसने, उसने हमें कुछ भी सत्य नहीं कहा। याद रखना, यदि वो हमसे पहले रूपनगर पहुंच गया और चंद्रमुखी से विवाह कर बैठा तो हम तुम्हारी समाधि रूपनगर में बिछा देंगे। ओ, नहीं।
बात है भीमा, तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों? सब कुछ कुशल मंगल है ना? नहीं दुर्गेश्वरी, मुझे अब हर तरफ अमंगल ही अमंगल दिखाई दे रहा है। अमंगल? परंतु क्यों? क्या कोई डाकू बगावत पर उतर आया है, या फिर हमारे गृहों में असंतोष फैल रहा है? हमारे साथियों में अभी तक तो कोई असंतोष नहीं फैला है, मगर शीघ्र ही बगावत भी हो सकती है, क्योंकि कल रात हमारे साथी की मृत्यु के दुख से वो लोग अभी तक विचलित हैं। उसमें हमारा क्या दोष है? किसी जंगली पशु के आक्रमण का हम कर भी क्या सकते हैं? अल खान को किसी जंगली पशु ने नहीं, अभी तो उस पर वनराज ने आक्रमण किया है दुर्गेश्वरी। भीमा, क्षमा करना दुर्गेश्वरी, तुम वनराज पर अति विश्वास करके बहुत बड़ी भूल करने जा रही हो। वो हमें एक पथिक के रूप में मिला था, परंतु तुमने उसे अपना समझ लिया। जानवर के बहाने वो पांच छुपाने का प्रयत्न कर रहा है दुर्गेश्वरी, वो मलखान का हत्यारा है। असंभव, दुर्गेश्वरी कभी विश्वास नहीं कर सकती कि जिस वनराज पर बाबा देवधर का आशीर्वाद है वो वनराज हत्यारा हो सकता है। और फिर एक साधारण डाकू को मारकर वनराज को क्या मिल सकता है? मैं नहीं जानता दुर्गेश्वरी, किंतु मलखान का हत्यारा कोई पशु नहीं हो सकता। वनराज अचानक रात को डेरे से क्यों गया था, और जब वापस लौटा तो उसे देखकर ही प्रतीत हो रहा था कि वो हमसे कुछ न कुछ अवश्य छुपा रहा है। भीमा, वो हमसे कुछ नहीं छुपा रहा था, बस उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। इन बिहड़ों में रह रहकर तुम्हारी भावनाएं मर चुकी है भीमा, लेकिन वनराज का मन अभी कोमल है, वो पहली बार अपनी माँ से बिछड़ा है। ठीक है दुर्गेश्वरी, मुझे तुम्हारी आज्ञा को ठुकराने का कोई अधिकार नहीं है, किंतु तुम्हारी रक्षा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरी प्रार्थना है आगे से तुम वनराज से कुछ संभल कर रहना। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई संकट आने वाला है। संकट? संकट और दुखों से तो दुर्गेश्वरी का जन्म जन्म का नाता है, अब तो प्रेम हो गया संकट और दुखों से। याद रखना भीमा, वनराज मेरा धर्म भाई है, उसे तनिक भी कष्ट हुआ तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। मैंने वनराज को वचन दिया है कि मैं उसे रूपनगर की सीमा तक पहुंचा दूंगी, और अब यह वचन का पालन करना मेरा धर्म है। वनराज इस तरह अकेले में क्या सोच रहा है? ऐसा प्रतीत होता है जैसे चुपके से कोई योजना बना रहा है। हो सकता है देवधर बाबा का नाम लेकर ये मुझे छलने आया हो। इस मायावी जंगल में एक पथिक पर शीघ्रता से विश्वास करके कहीं मैंने भूल तो नहीं की? कहीं भीमा जो कह रहा है वो सच तो नहीं? वनराज की परीक्षा लेनी होगी। वनराज। दुर्गेश्वरी, तुम मुझे देखकर चौंक क्यों गए? क्या सोच रहे थे? मैं चंद्रमुखी के राज्य शीघ्र से शीघ्र जाने के बारे में सोच रहा था देवी। मत कहो मुझे देवी, तुम एक झूठे और मक्कार युवक हो। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तुमसे क्या झूठ बोला? तुम उसी अनर्थ के बारे में सोच रहे थे ना जो उस रात हुआ था? बताओ मेरी बात सत्य है या असत्य? तो अमावस की रात में हुई मलखान की मृत्यु का पता से चल ही गया। तुम चुप क्यों हो गए? उत्तर क्यों नहीं देते मुझे? तुम क्या जानना चाहती हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा दुर्गेश्वरी। तुम सब समझते हो किंतु कुछ कह नहीं रहे हो। मैं जानती हूँ मलखान सिंह के प्राण तुम ही ने लिए थे। तुम हत्यारे हो, हत्यारे। हाँ, मैं हत्यारा हूँ। मैंने ही उसे मारा है। अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मेरी हत्या कर देता। हत्यारे? यदि तुमने बाबा देवधर का नाम नहीं लिया होता तो इसी समय मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देती, इससे पहले कि मेरे अंदर सोया चंडी का रूप जागे। भाग जा यहाँ से। दुर्गेश्वरी, दूर हो जा मेरी दृष्टि से, नहीं तो। क्या हुआ दुर्गेश्वरी? वही हुआ जिसका तुम्हें अंदेशा था। ये झूठा है,
हत्यारा है। आदेश हो तो इसका सर काट कर अभी तुम्हारे चरणों में भेंट चढ़ा दूं। एक बार इसे अतिथि का स्थान दिया था, इसलिए रक्त का घूंट पी गई। लेकिन इसे कहो मेरी दृष्टि से दूर हो जाए। ईश्वर देख, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर तुझे पुकार रहा हूं। पहले तूने मुझे पिता से अलग कर दिया, फिर मेरी मां से अलग कर दिया, और आज मुझे इस देवी से भी बिछड़ा दिया जो मेरे उद्देश्य के लिए मेरे साथ साथ चलती आ रही थी। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेरी अग्नि परीक्षा क्यों ले रहा है? निर्दोष लोगों की हत्याएं मुझसे क्यों करवा रहा है? भगवान, इसका पाप मुझे नहीं तुझे मिलेगा, तुझे। अगर तू सुन रहा है तो सुन, मैं अपनी मां को दिया हुआ वचन अवश्य पूरा करूंगा, अवश्य। चाहे तो मेरे पद पे कितनी भी बाधाएं डाल दे, मैं सारी बाधाएं पार करके रूपनगर अवश्य जाऊंगा, अवश्य। चंद्रमुखी के राज्य में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है, चाहे कोई कितना भी प्रयत्न क्यों ना कर ले, किंतु हमारी अनुमति के बिना इस राज्य में प्रवेश असंभव है। आप ठीक कह रहे हैं मंत्रीवर, परंतु आप तो रूपनगर से दूर सीमाओं पर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। आपकी अनुपस्थिति में कोई युवराज प्रवेश कर गया तो क्या होगा? ऐसा कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे सरकार रणवीर सिंह के नेत्र चारों प्रहर रूपनगर के महल और रूपनगर की राजगद्दी पर गड़े हैं। जिसे आप कर्तव्य कह रही हैं वो कर्तव्य नहीं अपितु दंड है। ऐसा दंड जो महामंत्री वीरेंद्र सिंह ने हमारे सरकार को दिया है। परंतु क्यों? आखिर मंत्री पर जिससे से क्या भूल हो गई जिसके लिए दंड भुगतना पड़ा? महल की राजनीति को तुम नहीं समझती हो मंगला। वीरेंद्र सिंह हमारी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर घबरा गया था, इसलिए हमें शक्तिहीन बनाने के लिए हमें सीमा पार भेज दिया। परंतु वो ये नहीं जानता जयचंद कि चोट खाने के पश्चात रणवीर सिंह और भी अधिक बलवान हो गया है। अब हम शीघ्र से शीघ्र अपना राज्य बनाएंगे और रूपनगर का नाम बदलकर रणबीरपुर कर देंगे। वाह हुजूर वाह, दूर दूर तक आप जैसा महायोद्धा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। रूपनगर पर राज्य करने का वास्तविक अधिकार तो केवल आपका ही हो सकता है और किसी का नहीं। परंतु इतने समय महल से दूर रहे हैं तो फिर कैसे इतनी शीघ्रता से आप अपना अधिकार प्राप्त कर पाएंगे? तुम उसकी चिंता मत करो मंगला, रणबीर सिंह अब पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गया है। वो मूर्ख महामंत्री ये भी नहीं जानता कि महल से दूर रखकर उसने हमें और भी वक्त दिया है हमारे षड्यंत्रों को पूरा करने के लिए। तुमने हमारा बहुत साथ दिया है मंगला, और यदि इसी तरह गुप्त रूप से तुम हमारा साथ देती रही तो एक दिन महल में तुम्हारी कद्र चंद्रमुखी से ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं होगी। हुजूर, आपके मुख से ये मधुर वचन सुनकर मैं तो प्रसन्नता से गदगद हो गई हूँ। अब आस दिखाकर पलट मत जाना। रणबीर सिंह के मुख से निकला वचन पत्थर की लकीर होता है मंगला। तुम उन बंधकों पर नजर रखो जिन्हें हमने बंदी बनाया है। याद रहे
एक दिन यही बंधक हमारे सैनिक बनकर रूपनगर के महल पर आक्रमण करेंगे। जानती हूँ हुजूर, परंतु उन हजारों बंधकों में एक बंधक बहुत हटी है जो आज तक हमारे वश में नहीं आया है। हम जानते हैं तुम कुंवर वीरेंद्र प्रताप सिंह की बात कर रही हो। वो अभी तक खुद को युवराज समझता है। वही एक ऐसा बंदी है जो अभी तक टूटा नहीं है, किंतु एक दिन उसे भी हमारे चरणों में गिरकर हमारी अधीनता स्वीकार करनी होगी। अवश्य हुजूर, जब रूपनगर नरेश को एक दिन आपका दास बनना ही है तो उस युवराज विजेंद्र सिंह की क्या बिसात है। परंतु विजेंद्र प्रताप सिंह को वश में करने के लिए हमें पासे फेंकने होंगे, और राजनीति की चौसर पर पासे फेंकने में तुमसे ज्यादा माहिर और कौन हो सकता है मंगला। आप निश्चिंत रहिए हुजूर, शाम दाम दंड भेद की नीति अपना कर मैं विजेंद्र सिंह को एक दिन आपका दास बना दूं, ये मंगला का वादा है। हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है। अब हम चंद्रमुखी के महल जाकर महल की बागडोर हथियाने की योजना बनाते हैं, और तुम अपने षड्यंत्र को पूरा करने का विचार करो। अरे चंगू मंगू, क्या बात है, आजकल तुम दोनों अकेले अकेले क्यों घूम रहे हो? क्या तुम्हारे सरकार ने तुम्हें काम से निकाल दिया है? अरे वो क्या हमें काम से निकालेंगे, हमने उनका काम छोड़ दिया। तुमने तुम्हारे सरकार को छोड़ दिया? मगर क्यों? अरे बड़ी मुश्किल से हमने सरकार से पीछा छुड़ाया है। आप टोक टोक कर हमें सरकार की याद मत दिलाइए। अरे सीधे सीधे क्यों नहीं बताते कि क्या हुआ जो तुमने अपने सरकार को छोड़ दिया? मैं बताता हूँ कलावती जी, चंगू के कहने का तात्पर्य ये है, हमारे सरकार है ना, वो इस संसार के सबसे बड़े मूर्ख इंसान है। अरे जब देखे तो गलतियाँ खुद करते और दोष हम पे डाल देते, जब देखे तो हमें डांटते फटकारते रहते है ना चंगू। ऊपर से हमें कोई पारिश्रमिक भी नहीं मिला, तो आप ही बताइए कलावती जी, बिना धन के आप कब तक इस सरकार की चाकरी करेंगे? अरे कलावती जी, हमें हमारी जेबों को देखकर दया आती है। अरे सोने की गिन्नी की तो बहुत दूर की बात है, अरे पीतल की गिन्नी देखे हुए महीनों हो गए कलावती जी, महीनों। कल को हमारा विवाह हो जाएगा, तब आप अपनी रानियों का पेट कैसे भरेंगे कलावती जी? तुम्हारी चिंता ठीक है, तो फिर तुम दोनों कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर लेते? क्यों जले पर नमक छिड़क रही है कलावती जी, अरे हम जैसे भाग्यहीन को कौन काम देगा? अरे क्यों नहीं देगा, क्या कमी है तुम दोनों में? सुंदर हो, बुद्धिमान हो, सदैव सज धज कर रहते हो, बस थोड़ा सा कद ही तो छोटा है। सच? तो आप ही बताइए कौन है वो? राजवीर। छी छी छी, राजवीर। क्यों, तुम्हें राजवीर पसंद नहीं है? अरे कलावती जी, राजवीर बैलों से भी ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली है, पर संकट आने पर किसी भी स्त्री के पीछे छुप सकता है। ऐसे कायर मनुष्य के साथ हम नौकरी नहीं कर सकते। क्यों, तुमने राजवीर को कभी किसी स्त्री के पीछे छुपते हुए देखा है क्या? अरे मैंने क्या, आपने भी कई बार देखा होगा। अगर वो निडर होता तो वो आप जैसी खूबसूरत और कोमल स्त्री का सहारा नहीं लेता, वो अपने शत्रुओं की जानकारी के लिए आपको भेजता है ना चंगू? हाँ मंगू। क्या, आप छोड़िए भी कलावती जी, हम छोटे अवश्य हैं, पर हमारे कान बहुत लंबे हैं, हमें दूर की ध्वनि भी अरे आसानी से सुनाई देती है। हमें नहीं करना ऐसे कायर राजवीर सिंह जी की नौकरी। अरे इससे तो अच्छी हमारी सरकार है, मूर्ख है तो क्या हुआ, पर है तो हमारी सरकार ना। हाँ, अरे मारे गए मंगू, शीघ्र चल, हमारे सरकार निद्रा से जाग गए होंगे, चल 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 चल। अरे अरे उधर, इधर इधर, चल 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 चल।
जरूर कोई भयानक स्वप्न देखा होगा। कोई सपना नहीं देखा हमने। अरे तो फिर इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे थे? अरे चिल्ला नहीं रहा था मूर्खों, हम तो परख रहे थे कि तुम दोनों सदा सतर्क और सजग रहते हो या नहीं। परंतु हमें विश्वास हो गया कि हमारे दोनों शेर अपने दाता की सेवा में हमेशा सतर्क रहते हैं। सरकार, हम तो आपके सोने के बाद इतने सतर्क रहते किसी को आपसे मिलने ही नहीं देते। अब भी अभी कलावती जी यहाँ से जा रही थी, हमने तो उनसे भी कह दिया कि हमारे सरकार अभी सो रहे हैं। अंकुर झूठ मत बोल, कलावती जी यहाँ से जा नहीं रही थी, अपितु यहाँ से गुजरने के बहाने सरकार को निहारने आई थी। और सरकार की एक झलक देखने आई थी, हमें निहारने आई थी, हमारी एक झलक देखने आई थी। सरकार, अब तो मुझे भी यकीन हो गया है, कदाचित आपके कक्ष के पास आने का कारण ये हो सकता है, सरकार वो आपसे मिलने के लिए ही आई थी। फिर हमें जगाया क्यों नहीं गधे कहीं के? भूल हो गई सरकार, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे यकीन हो गया कि कलावती जी को आपसे प्रेम हो गया है, इसीलिए आजकल कुछ खोई खोई सी रहती है। अच्छा, हम भी आजकल खोए खोए से ही रहते हैं। सच बताऊं? आज हमारे सपनों में कल्लो आई थी। कल्लो? कलावती। कलावती? हमें तो लगता है कि आज हमारा सपना सच हो जाएगा। अब हम चलते हैं। परंतु कहाँ सरकार? जाते वक्त टोकते नहीं है, हम कल्लो को मिलने जा रहे हैं ना, हमारे बिना वो तड़प रही होगी ना। सो तो ठीक है सरकार, पर आप अभी अभी सोकर उठे, पहले कुल्ला दातुन तो कर लीजिए। अभी 3 दिन पहले पिताश्री ने हमारे दांत कोयले से मंजे थे, अब दातुन करने की क्या आवश्यकता है? अरे सरकार सरकार, आप तो नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह हट करते। अरे कुल्ला दातुन तो रोज सुबह शाम करना चाहिए, क्यों चंगू? हाँ मंगू। क्यों चंगू? हाँ मंगू। जब तक हमारा विवाह कल्लो से नहीं हो जाता, हम नहीं करेंगे। विवाह के बाद कल्लो से हम अपना दांत मंजवाया करेंगे। अच्छा हम चलते, नहीं तो कल्लो कट्टी कर लेगी। तो सरकार, वो अभी इस समय आपसे नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी? अरे सरकार, क्योंकि वो इस समय राजवीर सिंह जी से भेंट करने गई। महामहिम में 16 आने सच कह रहा हूँ, मंत्रीवर रणवीर सिंह किसी भी समय इस महल में प्रवेश कर सकते हैं। रणवीर सिंह महल में प्रवेश क्यों करना चाहता है? महल में उसका लौटने का उद्देश्य क्या है नागराज? उद्देश्य तो बहुत ही भयानक है। सुना है कि वो रूपनगर के इस महल को अपने अधीन करना चाहता है। महामहिम, वो राज्य की बागडोर थामने का सुंदर स्वप्न देख रहा है। राज्य की बागडोर थामने का स्वप्न? राजवीर सिंह रणवीर सिंह का ये स्वप्न कभी पूर्ण नहीं होने देगा। रणवीर सिंह ये भूल रहा है कि हमारा पद उससे ऊंचा है और वो हमारी शक्ति के सामने कहीं भी ठहर नहीं पाएगा। महामहिम, आप पद में उनसे ऊंचे कैसे पहुंच गए, यही जानने के लिए तो वो यहाँ आ रहे हैं। आपकी लंबी छलांग ने कदाचित मंत्रीवर को विचलित कर दिया है। चाहे जो भी हो जाए, रणवीर सिंह में इतनी साहस इतनी शक्ति नहीं कि वो महाराज या महामंत्री के सामने अपने नेत्र भी उठा सके। रणवीर सिंह बहुत ही चतुर है, सुना है कि चोट खाने के बाद नाक और अधिक विषैला हो जाता है, और ये रणवीर सिंह ये भी चोट खाने के बाद महल वापस लौट रहा है। मुझे तो डर है महामहिम, कहीं ये रणवीर सिंह आपके ऊपर ही सारा विष ना उगल दे। असंभव, इससे पहले हम रणवीर सिंह के विष दंत निकाल कर फेंक देंगे, फिर विषहीन रणवीर या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा या फिर उसे हमारे अधीनता में कार्य करना होगा। और यदि इसने आपकी अधीनता स्वीकार नहीं की तो उसे ईश्वर भी नहीं बचा सकता।
घबराओ मत नागराज, राजनीति के चौसर पर हम ऐसे पासे फेंकेंगे कि जिनमें फंसकर रणवीर सिंह को हमारे पास आना ही होगा, और फिर उसके पश्चात हम उसे रूपनगर के सीमा के पार वापस भेज देंगे। आपकी शक्ति और बुद्धि का तो कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है महामहिम, परंतु मैं रणवीर सिंह को बहुत समीप से जानता हूँ। बहुत मक्कार आदमी है वो, उस पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। महामहिम, वो कैसे भी छल कपट करके महाराज या वीरेंद्र सिंह तक पहुंच सकता है, और यदि ऐसा हो गया तो आपका ये सिंहासन डगमगा जाएगा। नागराज, आज के पश्चात हमारे सामने कभी ऐसी कायरता ना दिखाना, हमारा सिंहासन अटल रहेगा, और जो हमारे सिंहासन पर दृष्टि डालेगा उसकी दृष्टि हम छीन लेंगे। तुम एक कार्य करो नागराज, जैसे रणवीर सिंह की महल आने की सूचना मिले तुम तत्काल उसे हमारे सामने लेकर उपस्थित हो जाना। हुजूर, आप इतने समय के पश्चात आपको इस महल में देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। हुजूर, आप कहाँ चले गए थे? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है कलम। हम महल के काम के बोझ तले कुछ इतना दब गए थे कि हमें अवकाश लेना पड़ा, किंतु अब हम वापस आ गए हैं। आपके लौटने के समाचार तो हमें पहले ही प्राप्त हो चुके थे हुजूर। ये तुम क्या कह रहे? हमने तो अभी तक अपने आने की सूचना किसी को भी नहीं दी, फिर तुम्हें इस बात का कैसे पता चला? केवल हमें ही कहा, सारे महल में चर्चा हो रही है कि मंत्रबल लौट रहे हैं। कदाचित आपके लौटने की शुभ समाचार महल के गुप्तचरों ने दी होगी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारे खेमे में कोई है जो हमारे गुप्त समाचार महल तक पहुँचा रहा है। कौन हो सकता है वो? किस सोच में डूब गए हुजूर? कहीं आप महल की बागडोर संभालने की बात तो नहीं सोच रहे हैं? महल की बागडोर? तो ये समाचार भी महल तक पहुंच गया हमारी गुप्त योजना का? ये किसने बोला होगा? बहुत सोच समझ कर बोलना होगा रणवीर, कलावती बहुत चतुर है। अब फिर से चिंता में पड़ गए हैं। लगता है आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हम चलते हैं, परंतु जाने से पहले आपको इतना कहना चाहते हैं, जरा संभल कर रहना, क्योंकि इस महल में आपके मित्र कम हैं और शत्रु ज्यादा। हम चलते हैं। लगता है हमारे जाने के बाद महल की राजनीति में बहुत हलचल हुई है, किंतु राजनीति की चौसर पर पड़े हुए सारे पासों को हम बदल देंगे। दो दिनों की दास्तां, पलक समी की है जबां, वो तो है।